Prime Minister's sortie in Tejas is exceptionally important from the Indian point of view as well from the international point of view. Air Force के भारतीय जो सेना के लोग हैं Air Force के, उनका मनोबल बहुत बढ़ा होगा, को खुशी भी हुई होगी, और फिर ये भी उनकी समझ में आ गया जिन लोगों के दिलों में डाउट रहा होगा कि इसकी एयरवर्दीनेस कैसी है. भारतीय प्रधानमंत्री ने आज सफा बोल दिया है कि पूरे भारत को DRDO, भारतीय वायुसेना, HAL के कार्य पे गर्व ही नहीं है, पर वो आत्मनिर्भरता के इस चिन्ह को सलाम करते हैं. पहली बात तो ये मैं समझता हूँ कि एयरफोर्स के भारतीय जो सेना के लोग हैं एयरफोर्स के, उनका मनोबल बहुत बढ़ा होगा, को खुशी भी हुई होगी, और फिर ये भी उनकी समझ में आ गया जिन लोगों के दिलों में डाउट रहा होगा कि इसकी एयरवर्दीनेस कैसी है, इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ज़ीरो है, और ये एक भरोसेमंद प्लेन है, जिसको कि किसी भी जो यूरोप के या अमेरिका के या रशिया के प्लेन्स हैं इस लेवल के, इस दिशा के, उनके साथ कंपेयर किया जा सकता है. दूसरी बात ये कि उनके सफ़र करने से जो कंट्रीज इच्छुक हैं इसको ख़रीदने के लिए, उनके दिलों में भी अगर कोई डाउट रहा होगा तो मैं समझता हूँ कि वो भी पूरा हो जाएगा. हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है वो ये है कि सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी है, डिफेंस सेक्टर में भी हम चाहते हैं कि सेल्फ रिलायंस बना रहे, और दूसरी ये कि यह है कि अधिक से अधिक प्रोडक्ट यहाँ पे बनाने का है और उनको बेचने का भी है. उनके बेचने से ये होगा कि फिर हमारा जो डिफेंस के ऊपर खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि कम होता चला जाएगा. जैसे ऐसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल हैं, हमारे इस तरह के बहुत से आइटम्स हैं जिनका इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रहा है, लोग रुचि ले रहे हैं उनको ख़रीदने में. दूसरी बात यह है कि यूरोप के जो प्लेन्स हों या जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं मिलिट्री के, खासतौर से अमेरिका और यूरोप के, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. भारतीय प्रधानमंत्री ने जो बोला है वो देश की आवाज़ और देश की धड़कन है. जो भारतीय प्रधानमंत्री ने आज सफा बोल दिया है कि पूरे भारत को DRDO, भारतीय वायुसेना, HAL के कार्य पे गर्व ही नहीं है, पर वो आत्मनिर्भरता के इस चिन्ह को सलाम करते हैं. देखिए, भारत को फाइटर एयरक्राफ्ट का अभाव था, एक ज़माना था इसी LCA को लोग दुत्कार रहे थे, कह रहे थे कि ये होगा भी नहीं, और मैंने अपने आँखों से और मैंने अपने कानों से सुना था लोगों को कहते हुए और गवर्नमेंट को इसको रिजेक्ट करते हुए मैंने सुना था. पर वही आज जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन्होंने बोला कि इसका नाम LCA से तेजस रखा, उन्होंने तेजस रखा, और उसके बाद उसका जो टेस्ट फ्लाइट हुई और उसके बाद जो एक के बाद एक उसकी उड़ानें भरी, अब हमारे 2-3 स्क्वाड्रन तेजस के बन रहे हैं, Mach 1, Mach 1A, Tejas Mach 2 बन रहा है, और यही ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है, ये जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है इसको बनाने की बात ये है कि इसके बाद भारत को पीछे नहीं देखना पड़ेगा. सारी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर हैं कि जब एक फाइटर एयरक्राफ्ट और उसके साथ उसका ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसकी पूरी टेक्नोलॉजी को काबू में कर लिया है, और अब दुनिया के देश हमारे तेजस को मांग रहे हैं. हमारा अब जो हम आयात करते थे फाइटर एयरक्राफ्ट का, अब निर्यात की बात आ रही है और ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं.
Prime Minister's sortie in Tejas is exceptionally important from the Indian point of view as well as from the international point of view. It sends a very, very strong message to the international audience that India has made a first-rate product which is compatible with any similar aircraft anywhere in the world. There are lots of, we have been able to achieve something at a much lesser cost and much better variety that is on offer from by other countries, including our competitor China, etc. Lot many friendly countries have already approached the government of India for manufacture of this aircraft. It also clearly indicates a huge sense of confidence in the capabilities of the HALA, boosts the morale and motivation of the Indian Air Force as well as the Indian Navy, because a naval variant is also under testing. This is going to replace two MiG-21 squadrons that are in existence, which were inducted in the Indian Air Force in 1963 by 2025. And the Indian Air Force has ordered 93 more such aircraft. Recently, the same aircraft stunned the audience during the air show in Dubai. Surely, the world and the friendly countries are going to lap it up. As far as the domestic audience is concerned, there are very many opposition parties which doubt the capability of indigenous manufacturer in Atmanirbhar Bharat. It sends a very strong message that the Prime Minister of India itself has found this aircraft to be extremely potent, compatible with the best in the world, and at a price which is far cheaper than any other variant that is available in the whole world.